अभिमन्यु प्रताप। मिस्टर अभिमन्यु प्रताप, दिस इज योर लास्ट चांस। यस सर। यू फेल्ड इन लास्ट थ्री अटेम्प्ट्स, राइट? यस सर। आप पंचायत सेक्रेटरी थे फरवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक, सिर्फ 2 महीने के लिए। व्हाई डिड यू लीव द जॉब? सर, आई वाज सस्पेंडेड। सस्पेंडेड फॉर व्हाट रीजन? Gross negligence on duty and misuse of my official powers. आप भूलनपुर विलेज के पंचायत सेक्रेटरी थे, लेट अंडमान विलेज। यस सर। अंडमान विलेज, ग्राम प्रधान झल्लू मुशर का गांव। यस मैम। और उसी भूलनपुर गांव में जो क्वारंटीन सेंटर था, उसके भी इंचार्ज आप ही थे, और आप ही की देखरेख में वहां एक डांस परफॉर्मेंस हुई थी जिससे करीब 20 लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी और 2 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना भी पड़ा। मिस्टर अभिमन्यु प्रताप, आपने जो कुछ भी किया वो एक सीरियस क्राइम से कम नहीं है, और फिर भी आपको लगता है कि आप एक सिविल सर्वेंट बनना डिजर्व करते हैं। यस सर, आई डेफिनेटली डिजर्व। Then convince us. बोर्ड एग्जाम में स्टेट टॉपर, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल, आईएएस के पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू में फेल, सेकेंड अटेम्प्ट में मेंस में फेल। योर सन इज फिनिश्ड। कुछ नहीं होने वाला है, जाए जाके किसी गांव में पंचायत सेक्रेटरी की कुर्सी संभालने जाके। आई बी पोस्टेड इन मुंबई। आईएएस बनना तो दूर, मैंने तो कभी पीसीएस बनने का भी नहीं सोचा था। आई ओ इट टू यू। सचिन के फैमिली वाले आए थे। आई एम गेटिंग मैरिड। मैंने हमेशा तुम्हें खुद से ऊपर देखा है, खुद से नीचे कैसे देख पाती भला? से समथिंग, योर साइलेंस इज मोर पेनफुल। सेकेंड अटेम्प्ट में मेंस में फेल, जाएं जाके किसी गांव में पंचायत सेक्रेटरी की कुर्सी संभालने जाके। आई विल बी पोस्टेड इन मुंबई। आई एम गेटिंग मैरिड। योर सन इज फिनिश्ड। अरे यार, विकेट बचाना है, मकसद ये है कि पिच पर टिके रहो। वाह बेटा, इधर भी लाइव है, इधर भी लाइव है, हर तरह की लाइव है। कोई डूब रहा है। रन क्यों मार रहा है यार? दोनों विकेटों के बीच में रफ्तार चाहिए, रफ्तार। धीरे पड़े तो रन आउट हो जाओगे। T20 वाले को जानते हो तुम? खैर तुम क्या समझोगे? हो गया मैच खत्म। बकवास। T20 की समस्या ही है, खिलाड़ी लोग पिच पे टिकना ही नहीं चाहते। बॉल आ गई बैट पे तो चौका, नहीं तो जय श्री राम, आउट। अच्छा खिलाड़ी मालूम है कौन होता है? जो हारे हुए मैच को पलट दे समझदारी के साथ, पिच पे टिका रहेगा। उसको मालूम है कौन से बॉल को छोड़ना है और कौन से बॉल को तोड़ना है।
क्या हुआ सचिव? बड़ी जल्दी निकल ले रहे हो? बुलंदपुर जा रहा हूँ ग्राम प्रधान से मिलने। बताइए कुछ काम है? हाँ, हमको लगा था तुम सोच रहे होगे इतने दिन हो गए अभी तक ग्राम प्रधान से मुलाकात नहीं हुई। हम ग्राम प्रधान के बड़े भाई हैं। आप झल्लू मुशार के भाई हैं? यार सचिव तुम बड़े अजीब आदमी हो। हम तुमको झल्लू मुशार के बड़े भाई दिखते हैं? हम जमींदार लोग हैं। जमींदार तो समझते होगे ना? भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख दिग्विजय सिंह के बड़े बेटे रणविजय सिंह बहुत जल्दी एमएलसी बनने वाले हैं। ये अधानी प्रधानी तो हमारा छोटा भाई देखता है। आपको कुछ गलत फहमी हुई है। भूलनपुर के ग्राम प्रधान झल्लू मुशार। अरे यार झल्लू हमारा नौकर है। इस बार हरजन सीट थी ना, इसलिए उसको खड़ा किए थे। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठ। कहाँ जा रहे हो? भूलनपुर ग्राम प्रधान झल्लू मुशार से कुछ काम की बात करने। भूलनपुर नहीं, अंडमान पूछना, नहीं तो पहुंच नहीं पाओगे। भैया भूलनपुर जाना है। भैया वो अंडमान, अंडमान 2 किलोमीटर आगे थी। दादाजी अंडमान जाना है। अकेले हो? जी हाँ। 70 रुपए लगेंगे। दादाजी मेरे पास मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल नाव से नहीं जा सकती। मुझे पुल वाले रास्ते से जाना है। 60 साल में पुल देखा नहीं हमने। फोन में तो दिखा रहा है पुल।